नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आज किस नई वीडियो में। तो ये क्वेश्चन बार बार आ रहा था जनरल इंटेक को लेकर, एडमिशन को लेकर, क्योंकि टाइम नहीं बचा हुआ। तो मेरी कोशिश है मैं कि आपको वीकली ये वीडियो के जरिए, जब तक इस सितंबर जनवरी का सिस्टम चलता है, इसका एडमिशन का सिस्टम चल रहा है, आपको अपडेट करता रहूँ। और साथ में रिजल्ट वाले बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं कि जनवरी इंटेक रिजल्ट की बात करूँ। अभी सितंबर का भी पेंडिंग पड़ा, लेकिन स्टिल बच्चे के, क्योंकि हर किसी की सितंबर की फाइल तो है नहीं, जिसकी जनवरी की है वो वेरी ओबियस जनवरी रिजल्ट की बात करेगा, उसको सितंबर से क्या लेना देना। तो जनवरी वालों को एडमिशन को लेकर करंट स्टेटस एंड रिजल्ट को लेकर जो स्टेटस है वो आपको मैं दोबारा से अपडेट कर रहा हूँ, सो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसके बाद मैं जो जनवरी के रिजल्ट को लेकर वो नेक्स्ट वीक में वीडियो बना दूंगा कि तब कोई स्टेटस को लेकर अगर डिफरेंस आता है या कोई स्पीड को लेकर कुछ डिफरेंस हमें दिखता है, तो वीडियो को अंत तक देखें एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। सो जनवरी टेक, सबसे पहले तो एडमिशन वाले जो दोस्त अभी भी सोच रहे हैं, बैठे हुए हैं, ऑप्शन की वेट कर रहे हैं, ऑफर की वेट कर रहे हैं, तो निकल चुका है ओंटारियो हाथ से। अभी कुछ कॉलेजेस हैं जिन्होंने दोबारा से आपको इंटेक के ऑप्शन दिए हैं। मैं अभी नाम शेयर नहीं करता क्योंकि हो सकता है जब तक आप वीडियो देखें वो कॉलेज फिर से बंद हो जाए एडमिशन के लिए, उनका कोटा ही फिल हो जाए। तो अभी भी कुछ ओंटारियो कॉलेजेस ने दोबारा से एडमिशन के लिए आपको जो है इंटेक ओपन किया है, जनवरी की एडमिशन स्टार्ट की है। लेकिन साथ में देखिए, हैरानी वाली बात है, काफ़ी दोस्त शायद इस चीज़ से एग्री ना करें, मई भी बड़ी जल्दी फिल आउट हो रहा है, क्योंकि उसमें काफ़ी कॉलेजेस थे जिनका जनवरी फिल हो चुका था, उन्होंने मई की एडमिशन कर दी ओपन, तो अब मई भी जल्दी फिल होने लग गया। तो यहाँ पे क्योंकि बच्चों को नॉर्मली लगता है कि अगर कंसल्टेंट कह रहा है तो शायद ये कह रहे हो कि जल्दी अप्लाई कर लो, इनको केस के लिए लालच है, कोई इसलिए कह रहे हैं, तो मई में तो बहुत टाइम है। यही बात काफ़ी दोस्त जनवरी इंटेक के लिए कहते थे कि अभी तो अगस्त चल रहा है, अभी जनवरी की बात क्यों कर रहे हो, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है। तो अब फाइनली आप देखोगे सितंबर खत्म नहीं हुआ, जनवरी खत्म हो चला है। जी हाँ, ये प्रैक्टिकल चीज़ है। ओंटारियो में बहुत कम, अब तो ना के बराबर ही ऑप्शंस हैं कि ऑप्शन आप मिल भी जाता है आपको तो अगले दिन पता चलता है कि है नहीं। तो यहाँ पे जिनकी तो ऑफर वेटिंग में है तो प्लीज़ आप चेक कर लें, नहीं तो स्टिल आउटसाइड ओंटारियो, मैं प्रोविंस का चलो नाम नहीं लेता, आउटसाइड ओंटारियो कुछ यूनिवर्सिटी कैटेगरी के ऑप्शन भी अवेलेबल है, कॉलेज कुछ है एक दो यूनिवर्सिटी कैटेगरी के ऑप्शन भी अवेलेबल है। यहाँ पे आपके लिए ये डेडलाइन आ रही है बहुत जल्द, तो मान लो 8-10 दिन का टाइम बचा आपके पास, तो उनकी डेडलाइन ओवर हो जाएगी जनवरी की, काफ़ी यूनिवर्सिटी की ओवर हो चुकी है, सितंबर एंड आ रहा है। तो अब ये जनवरी का इंटेक खत्म की तरफ माने, तो अभी जो स्टूडेंट उठेगा सितंबर के बाद अक्टूबर में जाके कि जनवरी चाहिए, तो आपको बहुत रेयर, बहुत ही रेयर आपको ऑप्शन मिलेगा। और जो ऑप्शन मिलेगा, आई नो आप में से काफ़ी बच्चे कहेंगे नहीं जी ये तो साइड में पड़ता है, वहाँ वर्क नहीं मिलेगा, वहाँ मेरा कोई नो नहीं है, मैंने उसमें जाना नहीं। तो आपके में से काफ़ी लोगों के लिए ऑफिशियली चाहे ना सही, अनऑफिशियली भी जनवरी टेक जल्दी ही खत्म हो रहा है, क्योंकि जो ऑप्शन आपको बाद में मिलने वाले हैं ना, मुझे पता है हमारे पास भी स्टूडेंट आते, आपने वहाँ जाना नहीं है। तो जो तो होता कि जो सोचता है कि कनाडा जाना है वो तो एग्री कर लेगा उस ऑप्शन के लिए, 19-65 बच्चा जिसका गैप पड़ रहा है, जो कहेगा कि मैंने इस एरिया में जाना है वो एग्री नहीं करेगा, तो उसके लिए होगा कि नहीं मैं चलो अगला इंटेक देखता हूँ। तो अगला भी देखना है तो मई इंटेक जल्दी देख लो। जी हाँ, काफ़ी जगह ऑफर ओपन हो चुके हैं, जिस हिसाब से डेफरमेंट हुआ ना, तो मई में भी कोई बहुत ज़्यादा सीटें नहीं बचने वाली अगर और महीना दो महीने निकल गए। तो ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, जिनको समझ में आएगी वो एग्री कर लेंगे, जिनको नहीं समझ में आएगी उनको भी समझ में आएंगी आफ्टर 2 मंथ। जी हाँ, मई के बारे में अगर मैं बात कर रहा हूँ तो आपको 2 महीने बाद ये बातें समझ आएगी, तब ये वीडियो देख लेना कि मैंने 2 महीने पहले जो कहा था कि उसमें कितनी रियलिटी थी। अब बात करते हैं रिजल्ट की, जनवरी टेक जो रिजल्ट की बात करते हैं प्रैक्टिकली, तो रिजल्ट देखिए आ रहे हैं। अब थोड़ी सी पेस मैंने इस वीक से, जो वीक से चल रहा है, इस वीक में मैंने थोड़ी सी पेस देखी है कि जनवरी के रिजल्ट फास्ट हुए हैं, हालांकि अभी सितंबर के भी आ रहे हैं, लेकिन जनवरी में थोड़ी सी स्पीड दिखी है मुझे कि उनके जो रिजल्ट है वो आने स्टार्ट हो चुके हैं ठीक ठाक स्पीड से। अभी अक्टूबर ऑनवर्ड आपको बहुत अच्छी स्पीड जनवरी की दिखेगी, क्योंकि तब सितंबर वालों को जो रिजल्ट है जिनके नहीं आए होंगे उनसे वेरी ओपन से डेफरमेंट का प्रूफ मांगा जाएगा, जिन्होंने अपडेट नहीं किया तो वो थोड़े पेंडेंसी में जा सकते हैं, ये भी एक रियलिटी है। सितंबर में अगर सितंबर के रिजल्ट नहीं आए तो वो पेंडेंसी में जाएंगे, रीजन उसका यही होगा कि आपकी जो फाइल है वो क्यू में चली जाएगी और आपसे अपडेटेड डॉक्यूमेंट वो मांगेंगे, कहीं होंगे तो मेडिकल भी शायद दोबारा करवाने पड़े हों अगर पुरानी फाइल लगी, तो ये चीज़ें रहेंगी। तो यस, जनवरी की गुड न्यूज़ है, ठीक ठाक नंबर के रिजल्ट आने स्टार्ट हो चुके हैं, वीज़ा स्टैंपिंग हो रही है, एंड यही नंबर बढ़ेगा अक्टूबर ऑनवर्ड। सो डोंट वरी, एडमिशन वाले थोड़े सा वरी कर लें, रिजल्ट वाले डोंट वरी, आप अपनी फाइल लगाएं, अपने बायोमेट्रिक दें, बहुत जल्दी आपके रिजल्ट जो हैं आने वाले हैं, क्योंकि अब आने स्टार्ट हो चुके हैं। तो ये जनवरी टेक की ऑल अपडेट थी, ऐसी अपडेटेड वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फॉर एनी स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन
और क्वेरी यू कैन कॉल अस ऑन 9041090410। स्पेशली वो दोस्त जरूर कॉल करें जिन्होंने प्रोफाइल डिस्कस करना है, जो जेनरिक क्वेश्चन होते हैं उनके आंसर मैं वीडियो में दे देता हूँ, तो आप इस चैनल पर वीडियो देख लो, काफ़ी लोगों को उनके आंसर मिल जाएंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।